हेलो गाइस, मैं प्रियल, आपका प्रियल मैम रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कल हमने क्या पढ़ा था, जो रीजनिंग के अंदर आपका कुछ पोर्शन किसका आता है, नंबर और अल्फाबेट का अरेंजमेंट का आता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसका अगला पार्ट, मतलब कुछ अल्फाबेट से रिलेटेड है भाई, अल्फाबेट से संबंधित कुछ और चीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग। आप सभी लोगों ने बैंकिंग एग्जाम दिया है तो आप सभी को पता होगा कि कोडिंग डिकोडिंग बैंकिंग एग्जाम में आती है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, दोनों में ही आती है। कोडिंग डिकोडिंग प्री में भी आती है, मेंस में भी आती है, केवल लेवल का फर्क होता है, आती दोनों में है। तो आज हम देखेंगे कि प्री लेवल पे कोडिंग डिकोडिंग किस लेवल तक की आती है और कुछ पोर्शन हम टच करेंगे मेंस तक का भी। ठीक है, प्री लेवल से शुरुआत करेंगे और उसको खत्म किस पे करेंगे, मेंस लेवल तक टच करके उसको छोड़ेंगे। ठीक है, शुरुआत इस पे करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं ये बताऊंगी आप सभी को कि कोडिंग डिकोडिंग जो आती है आपके एग्जाम में, या तो आएगी पूरे 5 नंबर की, 5 नंबर का एक सवाल दिया जाएगा, आप मैं दिखाऊंगी बड़ा सवाल कैसा आता है, या फिर अगर कोई एग्जामिनर बड़ा सवाल नहीं देता है तो क्या करेगा, 2 से 3 छोटे सवाल दे देगा। तो कोडिंग डिकोडिंग आपके एग्जाम में 2 टाइप से आती है, या तो एक बड़ा सवाल मिल जाएगा आपको, अगर बड़ा सवाल नहीं देता है उससे कुछ और देता है तो वे 2 से 3 छोटे सवाल दे देगा कोडिंग डिकोडिंग में, पर 101% ही कोडिंग डिकोडिंग आपके एग्जाम में आनी है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, एक स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो आप सभी लोग शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप नए हैं फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है, रेगुलरली ये क्लास शाम को 7 बजे चलती है, रेगुलरली ये क्लास शाम को 7 बजे चलती है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है जरूर देखिएगा। केवल एक क्लास के अंदर मैं कोशिश करती हूँ आपको पूरा इसका कंसेप्ट, मतलब निचोड़ बता सकूँ, पूरा इसका निचोड़ एक ही क्लास में बता सकूँ, कोशिश मैं आपको यही करती हूँ। तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे भाई ये क्या लिखा हुआ है, जी एम क्यू पी वी आई एस, क्या लिखा हुआ है भाई, ये है अल्फाबेट का खेल। ये क्या है, अल्फाबेट का खेल। पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे सबको याद भी होगी, रटी हुई भी पड़ी होगी, कि इजोटी क्या होता है, ई का मतलब 5, जे का मतलब 10, ओ का मतलब 15, टी का मतलब 20, वाई का मतलब 25, ये सबको याद होना चाहिए और होगा भी शायद। आप लोगों ने कितनी बार, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, कोई भी हो, अगर आप एनालॉजी पढ़े तो भी यहीं से पढ़ते हैं, कोडिंग पढ़ते तो भी यहीं से पढ़ते हैं, मतलब ये अल्फाबेट का बेस है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। एक और चीज है, अगर याद नहीं है बाई चांस तो बैंकिंग वाले तो एक काम कर सकते हो, आपको जो शीट मिलती है वो एग्जाम जब रिटर्न शुरू होता है ना उससे 1 घंटे पहले मिल जाती है शीट आपको। ठीक है, तो आप क्या क्या काम क्या करो, जैसे आपका बायोमेट्रिक वगैरह हो जाता है तो उस पर शीट पे ही अल्फाबेट लिख लिया करो भाई, ABCD पूरा लिख लिया करो और नंबर्स लिख लिया करो उसके, उससे क्या होगा आपको याद करना नहीं पड़ेगा, इन केस अगर आपको याद नहीं है तो। लेकिन याद कर लोगे तो टाइम बचेगा ही आपका, सोचने मतलब देखने में भी बचेगा टाइम अगर आपको याद होगा तो, प्रेफर यही है याद करो। लेकिन फिर भी बाई चांस एग्जामिनर में प्रेशर की वजह से भूल जाओ, कुछ भी हो जाए तो लिख के रखा करो सेफ साइड पे। ठीक है, सेफ साइड पे लिख के रखा करो, अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर इनकेस भूल जाए तो वहां से देख सके, क्योंकि उस समय याद करने का टाइम नहीं है कि आप याद करो भाई, A1 होता है, B2 होता है, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। ठीक है, अब देखो शुरुआत करते हैं। पहली चीज तो यही है कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, कुछ और भी अल्फाबेट है जो उसको बारे में तुरंत आपको याद होना, जैसे कि S19 होता है याद होना चाहिए, P16 होता है याद होना चाहिए, ऐसे आपको देखो खुद का नाम का अल्फाबेट याद हो जाएगा, जैसे मेरा नाम P है, P16 मुझे याद रहता है। ठीक है, आई बात समझ में, Y क्या होता है, Y पर यादव, यादव का मतलब क्या हुआ, Y का मतलब 25 हो गया, ये मुझे याद रहता है। ठीक है, M का मतलब क्या होगा आपका 13, ये मुझे याद रहता है, Q का मतलब 17 भी याद रहता है, V 22 याद रहता है, I 9 याद रहता है, G 7 याद रहता है, H 8 याद रहता है, J 10 याद रहता है, मतलब एक कुछ अल्फाबेट ऐसे जो तो आपको कहीं भूल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये ऐसे अल्फाबेट है कुछ आप बीच बीच में याद रखोगे ना तो आपको पूरा बेस बनाने में आसानी होगी। जैसे कि मुझे M याद है तो LMN याद हो गया, M पता है उससे पहले का पता हो गया, उसके बाद का पता हो गया, P तो P से क्या हो जाएगा, P मतलब 16 15 16 17, OPQ क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं, ना टाइम वेस्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कोडिंग डिकोडिंग की। ये लीजिए आपका पहला सवाल कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं ये देखते हैं। क्वेश्चन आपका दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगा तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। ये है आपके कुछ छोटे सवाल, आज हम आपके सामने 3 वैरायटी के सवाल दिखाऊंगी, मैं आपको 3 वैरायटी के सवाल दिखाऊंगी जो एग्जाम में आ सकते हैं। ये है आपका पहला टाइप, या मान लीजिए पहली वैरायटी,
क्या है, अगर दिल्ली को क्या लिख दिया है मैंने, अगर दिल्ली को DELHI, दिल्ली को अगर मैंने CDKG और H लिखा है, तो पूछा है लखनऊ को LUCKNOW को क्या लिखूंगी, सिंपल सा है, देखते हैं। डी देखो, पहली चीज क्या देखोगे, क्या यहाँ वाले और यहाँ वाले रिपीट हो रहे हैं, डी यहाँ तो है पर यहाँ भी है, ई यहाँ पे है पर यहाँ नहीं है, मतलब रीअरेंजमेंट नहीं है। अगर आपका यहाँ के जितने लेटर्स है वो यहाँ भी रिपीट होते हैं, तो हम क्या ट्राई करते हैं कि आपस में कोई अरेंजमेंट हो रखा होगा, पर यहाँ पे क्या है, जो ई यहाँ तो दे रखा है पर यहाँ नहीं है, मतलब अरेंजमेंट तो नहीं है। तो देखो, डी से सी हुआ माइनस का वन हुआ, ई से डी हुआ माइनस का वन हुआ, एल से के हुआ, एच आई सी डी डी ई के एल जी एच सब में माइनस का वन हो रहा है, तो सेम इसमें भी माइनस का वन कर दीजिए। अब देखो, माइनस के वन में भी दिक्कत रहेगी, देखना माइनस के वन में भी दिक्कत रहेगी। अब देखो ये क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ये टी यू बी सी और के का हो जाएगा, के का मतलब जे के एल एम एन, ठीक है, पी मतलब ओ का मतलब 15 से पहले 14 एन आ जाएगा, डब्ल्यू का 23 22 का मतलब वी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, ये के है, सॉरी क्या हो गया, के टी बी जे एम एन वी आपका सही आंसर हो गया, क्लियर हो गया, ये आपका एकदम सही आंसर हो गया, क्लियर हो आपको। ये था आपका पहला सवाल, दूसरा सवाल देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा, अगला सवाल आपका ये रहा, ट्राई कीजिए आप लोग, पहले आप लोग ट्राई कीजिए इसको सवाल को देखने की। देखो सबसे अच्छा तरीका रिकॉर्डेड क्लास को देखने का पता क्या है, कि आप सवाल देखो, पॉज करो, फिर खुद से बनाओ, ठीक है, खुद से बनाओ, अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है देखो भाई किस इसमें क्या कंसेप्ट रह गया जो मुझे नहीं आया। सबसे अच्छे काम है रिकॉर्डेड क्लास देखने का, बिल्कुल मजा आता है रिकॉर्डेड क्लास को देखने का, एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम भी वेस्ट नहीं होता है और जल्दी जल्दी आप देख भी लेते हो, ठीक है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको लोटस को क्या लिखा हुआ है, एल ओ टी यू एस, क्या लिखा हुआ है, एम एन यू डबल टी। अब देखो L यहाँ है, यहाँ नहीं है, मतलब अरे रीअरेंजमेंट तो है ही नहीं। अब देखो L से M हुआ, एल एम प्लस के हुआ, अब 15 से ज्यादा हो गया माइनस का वन हुआ, टी यू प्लस का वन हो गया, क्या है ये 21 से 20 हो गया माइनस का वन हो गया, 19 से 20 हुआ प्लस का वन हो गया, मतलब प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन, मतलब आपको जब नंबर्स याद होंगे ना सीधा दिखेगा आपको, ये 20 था 21 हो गया, ये 15 था ये 14 हो गया, साफ साफ दिखेगा, झलकेगा सामने, क्योंकि अल्फाबेट में समझने में दिक्कत होती है, अगर हमें नंबर्स में हम डेली डील करते हैं तो उसमें प्लस माइनस देखना ज्यादा आसान होता है। अब देखो, अगर मान लो इसकी जगह पे ये लिखा होता, मान लो अगर ये लिखा होता 15 14 हुआ, क्या आपको समझ में आता जल्दी से कि हाँ भाई माइनस का वन हुआ है, लेकिन यहीं पे ही क्या लिख दिया है, ओ और एन लिख दिया है, तो इसको समझने में दिक्कत थोड़ी थोड़ी सी कि ओ से एन कैसे गया, प्लस हुआ है माइनस हुआ, 15 और 14 ये बात समझ में आई, ये डिफरेंस होता है, अगर पता होना चाहिए कि नंबर्स में और लेटर्स में डिफरेंस होता है, क्योंकि हम लोग डील नहीं कर पाते नंबर लेटर्स के अंदर, इसलिए हमें जो नंबर्स होते हैं वो ज्यादा आसान लगते हैं। पूछा क्या है हमसे, सेम ग्रैंडजुअला GRANDULA, तो क्या करेंगे, पहले प्लस का वन माइनस का वन, प्लस का वन माइनस का वन, ऐसे हम करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका HQBMETMOZ, देख लीजिएगा ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर हो गया, पहले प्लस का वन फिर माइनस का वन फिर प्लस का वन फिर माइनस का वन। अगला सवाल देखते हैं हम लोग अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से हर एक सवाल को अच्छे से कीजिएगा, मजा आएगा सवाल करने में। अगला सवाल ये रहा, अगर कॉन्डोन को हम लोग ऐसे लिखेंगे तो फॉरगिव को कैसे लिखेंगे, सवाल आपके सामने है, देखिए ये है टाइप वन के अंदर ही अगला टाइप, मतलब टाइप वन का ही सब टाइप है, देखना क्या है आपका शब्द, कॉन्डोन CONDONE, ठीक है, इसको कैसे लिख दिया मैंने, CNODNOE ये लिख दिया। अब देखो सवाल, पहली चीज जो आपने देखी वो क्या है, जितने भी लेटर्स यहाँ पे है सभी यहाँ अवेलेबल है, सी येरा, ओ येरा, एन येरा, डी येरा, ओ येरा, ई येरा, एन येरा, मतलब सारे अवेलेबल है, मतलब क्या हुआ, अरेंजमेंट हुआ है, क्या हुआ है, अरेंजमेंट हुआ है। अरेंजमेंट कैसे करेंगे, अब देखो सी कहाँ है, येरा, सी येरा, ओ येरा, एन येरा,
डी एरा, ओ एरा, एन एरा, आई एरा, मतलब इस टाइप का आपका पैटर्न बन रहा है। तो सेम फॉरगिव में बना दो सेम पैटर्न, एफ ओ आर जी आई वी ई, सेम पैटर्न, एक एरा ये क्रॉस में, ये एरा ये क्रॉस में और ये एरा, तो एफ आर ओ जी वी आई और ई, सिंपल, क्लियर हो गया। जो सेम पैटर्न यहां बनाए सेम पैटर्न यहां बना दो, आंसर आ जाएगा आपका, क्लियर हो गया। अगला सवाल देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अगला सवाल देखिए, बताइए सवाल का जवाब क्या जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है कोडिंग डिकोडिंग का, बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए क्लासेस सूटेबल है, कि आपका कुछ रिवीजन हो रहा है, कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, देखो ये एक बेबी स्टेप है। बेबी स्टेप का मतलब, अगर आपने बैंकिंग की शुरुआत कर दी है अगर आज से, तो आपको बैंकिंग के एग्जाम, अभी तो फरवरी शुरुआत हुई है, दिसंबर तक पेपर चलेंगे बैंकिंग के, दिसंबर तक। जो आईबीपीएस क्लर्क होता है वो दिसंबर तक होता है, ठीक है, लास्ट पेपर, उसके बाद भी पीजीडीएफ का एक कट कोर्स आ ही जाता है। लास्ट टाइम शायद कैनरा का था, मुझे ध्यान हो तो, कैनरा का जो पीजीडीएफ का एग्जाम होता है, सिंगल पेपर जो होता है, वो आई थिंक 24-25 दिसंबर को, नहीं 26-27 दिसंबर को, तो इतना मुझे ध्यान आ रहा है, इसके अराउंड ही था, मतलब लास्ट वीक में दिसंबर की, सोचिए। उसके बाद भी आईबीपीएस एसओबी होता है, मतलब 30 दिसंबर के आसपास होता है शायद, आईबीपीएस एसओ जो होता है 28 या 30 दिसंबर के आसपास होता है, मतलब फरवरी से शुरुआत होते हैं बैंकिंग की पेपर की और दिसंबर तक चलते हैं। अगर आप अभी से स्टेप उठा लोगे कि मुझे पढ़ना है, तो एटलीस्ट आप लास्ट तक कोई ना कोई जॉब पकड़ ही लोगे बैंकिंग वाली, आई बात समझ में। अगला सवाल देखिए, सवाल आपके सामने अवेलेबल है क्या, आवरली को एच ओ यू आर एल वाई को कैसे लिखा हुआ है, U R O L H Y, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब देखिए ये तो बिल्कुल साफ है, ये सवाल किसका है, अरेंजमेंट का है, कि आपस में ये अरेंज हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, H पीछे गया, Y इधर गया, O कहाँ है, ये रहा, O कहाँ है, ये यहाँ, O ये रहा, U ये रहा, R ये रहा, L ये रहा, मतलब हॉचपॉच सी हो रखी है। जब ऐसे हॉचपॉच लगे तो पता क्या करो, देखो नंबर लिख लो 1 2 3 4 5 6, अब देखो यू कौन तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर का पहले आ गया, फिर क्या, आर चौथे नंबर का, ओ दूसरे नंबर का, एल पांचवे का, एच आपका पहले का और वाई छठे का। तो फॉर्मेट क्या है, 3 4 2 5 1 6, सेम फॉर्मेट का इस्तेमाल यहाँ करो। ऑप्शन क्या है आपका, कानपुर, के ए एन पी यू आर, ठीक है। अभी क्या है, 1 2 3 4 5 6, सेम 6 है तो अरेंज करो 3 4 2 5 1 6, अरेंज कर दो। 3 पे क्या है, एन है, 4 पे क्या है, पी है, 2 पे क्या है, ए है, 5 पे क्या है, यू है, आई पे क्या है, के है, और 6 पे क्या है आपका, आर है। ये लो आंसर, सिंपल। ऐसी हॉचपॉच से बचने से बेटर है कि इस टाइप से अगर नंबर दे दोगे तो आपसे जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्लियर हुआ। अगला सवाल देखते हैं हम लोग अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा अगला सवाल कैसे होगा। ये लीजिए, अब आप लोग ट्राई कीजिएगा, सभी लोग साथ साथ ट्राई करते जाए, सवाल को देखे, पॉज ले, पॉज करने के बाद खुद से सॉल्व करें, हो जाना तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो देखें सॉल्यूशन क्या है इसका, क्लियर हुआ। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन आपको, अगर टेक को, अगर टेक को मैंने क्या लिखा है, कीट, के ई ए टी, सेम वही रीअरेंजमेंट, सेम वही रीअरेंजमेंट, के एरा, ई एरा, ए एरा, टी एरा, सिंपल अरेंजमेंट है। फिर पूछा क्या है, गिव को कैसे लिखेंगे, जी आई वी, सेम ऐसा, जी इधर, आई इधर, फिर क्या है, पहले के है, पहले वी आएगा, फिर ई आएगा, तो वी आई, वी ई आई जी, क्या हो जाएगा, वी ई आई जी आपका सही आंसर हो जाएगा। गिव को पूछा है, वी ई आई जी आपका बिल्कुल सही आंसर है, क्लियर हुआ आपका सवाल। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बताइएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने ये, मैं आपको हर टाइप का अरेंजमेंट, जो भी अरेंजमेंट बन सकता है आपका कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, अभी हम हर टाइप का पैटर्न देख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्या है, इन इंटीमेट, क्या है, आई एन टी आई एम ए टी ई, इसको क्या लिख दिया है हमने, I T N I E T A M। अब देखना, सबसे पहली बात देखने वाली क्या है कि जितने भी लेटर्स यहाँ पे हैं सारे अवेलेबल हैं कि नहीं, I है, N है, T है, I है, E M है, A है, T है, E है, मतलब सारे अवेलेबल हैं, केवल अरेंजमेंट हुआ है, I ये रहा,
एन येरा, टी येरा, आई येरा, मतलब फ्लावर की शेप में, एम येरा, ई येरा, ए येरा, टी येरा, फ्लावर की शेप में अरेंज हुए क्रॉस के अंदर। तो पूछा क्या है हमसे, त्रिवेनियम, टी आर ई वी एन आई ई टी ए आर बी आई, काफी बड़ी स्पेलिंग है। जस्ट हाफ किया है, देखो चार यहाँ चार यहाँ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, तो छह, एक दो तीन चार पांच छह, आधा कर लिया। आई यहाँ, टी यहाँ, आई और टी, एन यहाँ आर या, एन यहाँ आर या, वी यहाँ ई यहाँ, वी यहाँ ई यहाँ, सेम ऐसे अरेंज कर लो, ऐसे उल्टा करके इस टाइप से अरेंज कर दोगे आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। क्लियर हुआ, जैसे ये अरेंज किया है सेम वैसे ही आप अरेंज करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, अगर ट्रिपल को मैंने ऐसे लिखा है तो एग्जॉटिक को कैसे लिखूंगी। अगला सवाल आपका ये रहा, अगर ट्रिपल को ऐसे लिखा हुआ है तो एग्जॉटिक को कैसे लिखूंगी। फटाफट से देखिए और बताइए जल्दी से, सवाल देखिए, अगर ट्रिपल को टी आर ए डबल पी एल ई, ट्रिपल को अगर मैं एस क्यू एस क्यू एच ओ ओ के डी ऐसे लिखूंगी तो पूछा है एग्जॉटिक, ई एक्स ओ टी आई सी, एग्जॉटिक को कैसे लिखा जाएगा बताइए। सेम वही, अब देखो कैसे करेंगे, देखो टी यहाँ है यहाँ नहीं है, मतलब अरेंजमेंट तो है नहीं, तो अब क्या होगा, कुछ प्लस या माइनस करना होगा। देखो टी से एस गया, ये 20 था 19 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 20 को 19 कर दिया, 18 को 17 कर दिया, माइनस का 1 हुआ, 9 को 8 कर दिया, माइनस का 1 हुआ, मतलब सब जगह माइनस का 1 हो रहा है, 16 को 15 कर दिया, हर जगह माइनस का 1 हो रहा है। तो सेम इसको माइनस का 1 कर दीजिए, 5 का 4 हो गया, x का डब्लू एक्स डब्लू हो गया, 15 का 14 हो गया, 20 का 19 हो गया, 9 का 8 हो गया और 3 का 2 हो गया, तो W N S H B। अगर आप नंबर से खेल खेलोगे तो मजा आएगा, अगर आप अल्फाबेट से खेलोगे टफ पड़ेगा, लेकिन अगर उसको नंबर में देखा करोगे, देखो मुझे D ये आपको E दिखता होगा पर मुझे 5 नंबर दिखता है, ऐसा दिखना चाहिए आपको, आपको ये O दिखता है मुझे ये 15 नंबर दिखता है, आपको ये C दिखता है मुझे 3 नंबर दिखता है, ये जब ऐसे देखने जाओगे अल्फाबेट को उस दिन आपको याद हो जाएगा अल्फाबेट, अल्फाबेट का खेल ही खत्म हो जाएगा उस दिन। आई बस मैम, तो ये थे कुछ आपके फर्स्ट टाइप के सवाल कि कैसे या तो अरेंजमेंट होगा या कुछ प्लस या कुछ माइनस होगा। अगला टाइप का सवाल देखिएगा, अगले टाइप का सवाल जो आपके एग्जाम में आता है, जरा ध्यान से देखिएगा सवाल को। अगला सवाल देखते हैं भाई, ये रहा आपका नेक्स्ट टाइप का सवाल जो आपके एग्जाम में आता है मेनली। एक सेकेंड ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताएगा इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। अगला सवाल ये है आपका नेक्स्ट टाइप का सवाल जो आपके एग्जाम में आता है, अब बहुत ध्यान समझना, बहुत जल्दी समझाऊंगी और एकदम फास्ट मेथड होगा। देखो जब भी आपका इस टाइप, जब देखो जब भी ये सवाल आएगा ये एक प्रॉपर फॉर्मेट में आएगा, मतलब 4 से 5 सवाल लगातार पूछूंगे ऐसे ही, हमेशा देखना। अगर ये बड़ा सवाल है, अगर ये सवाल आता है तो कम से कम 3 से 4 सवाल लगातार पूछ जाएंगे इसी टाइप के, ठीक है। अब देखो कभी भी पूरे सवाल को नहीं पढ़ना है, पूरे सवाल को पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं पढ़ना कि ये पढ़ो अटपा डू मे को नाइस संडे मॉर्निंग लिखा हुआ, अटप से नेबी को ये लिखा हुआ है, ऐसे पढ़ोगे या वो मजा तो आएगा पढ़ने में पर ये टाइम वेस्ट करने वाली बात है। सीधा देखोगे संडे, क्या पूछा है संडे का कोड पूछा है, सीधा संडे पे जाओगे, क्या पूछा है संडे का कोड पूछा हुआ है। अब देखोगे सबसे पहले कि संडे कहाँ कहाँ आया हुआ है, देखो सबसे पहली लाइन में है नाइस संडे मॉर्निंग, संडे आ गया, दूसरे में है संडे इज हॉलीडे, दूसरे में आ गया, तीसरे में नो वर्क ऑन हॉलीडे, मतलब तीसरे में नहीं है, तो दो लाइन है संडे नाइस संडे मॉर्निंग, नाइस संडे मॉर्निंग पहली लाइन में ये लिखा हुआ है, दूसरे में लिखा हुआ है क्या संडे इज हॉलीडे, संडे इज हॉलीडे। अब देखो बात को समझना मेरी, संडे यहां आया है, संडे यहां आया है, देखना इस लाइन के सामने इसका कोड लिखा होगा, इस लाइन के सामने इसका कोड लिखा होगा, ठीक है, लिखा हुआ जैसे आपको पता है। अब देखो यहां पे इन दोनों लाइनों में केवल एक चीज कॉमन है, क्या संडे, मतलब एक ऐसा कोई कोड होगा जो इसमें इस लाइन में और इस लाइन में कॉमन होगा, वो क्या होगा संडे का। देखो एटीपी डीएचयू एमईएच कौन सा रिपीट हो रहा है, एटीपी, केवल एटीपी है जो रिपीट हो रहा है, वो क्यों हो रहा है
क्योंकि संडे की वजह से, संडे यहाँ भी है यहाँ भी है, इसलिए एक और रिपीट हो रहा है। आई बात समझ में, बात सिद्धांत सुनेगा वापस से। हम लोग सवाल को नहीं पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा देखने जाएंगे कहाँ पे कि सवाल में पूछा क्या है। संडे पूछा हुआ था, सीधा संडे पहुंचे हम लोग, संडे पहुंच गए। अब संडे देखिए कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, एक तो पहली लाइन में, एक दूसरी लाइन में संडे, केवल दो ही लाइन पे है संडे, तो पहली लाइन में ये रहा, दूसरी लाइन में ये रहा। अब ऑब्जर्व किए इन दोनों लाइनों को कि इन दोनों में कॉमन क्या है, केवल संडे कॉमन था। तो एक बात मेरे दिमाग में तो फिक्स आ गई कि कॉमन संडे है, तो मतलब संडे का कोड भी केवल रिपीट होगा इन दोनों जगह पे, एक कोड ऐसा होगा जो दोनों जगह पे होगा। तो एटीपी एटीपी दोनों जगह, ऊपर भी नीचे भी, तो एटीपी कोड किसका हो गया, संडे का हो गया। अब देखिए सेम ऐसा सवाल एक और, सेम ऐसा सवाल एक और, देखिए बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर इसका अगला सवाल देखिए, पढ़िए और बताइए भाई फटाफट से, अगला सवाल आपके सामने है, जरा पढ़िए और बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। पूछा क्या है, हॉलीडे का कोड, क्या पूछा है, हॉलीडे का कोड क्या होगा, क्या पूछा है, हॉलीडे का कोड क्या होगा। अब देखो हॉलीडे, ठीक है पूरा सवाल नहीं पढ़ेंगे हम, हॉलीडे। अब देखो हॉलीडे कहाँ पे है, पहली लाइन में नहीं है, दूसरी और तीसरी में देखो, संडे इज हॉलीडे क्या है, दूसरी लाइन में लिखा हुआ है संडे इज हॉलीडे, हॉलीडे यहाँ आ गया। उसके बाद लिखा हुआ है नो वर्क ऑन हॉलीडे, नो वर्क ऑन हॉलीडे, ठीक है। अब पूछा क्या, हॉलीडे, हॉलीडे ये रहा, हॉलीडे ये रहा, ठीक है। अब ये बात ध्यान दिया आपने, सेम वही चीज कि इसका, इसके सामने इसका कोड लिखा है, इसके सामने इसका कोड लिखा है, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, केवल हॉलीडे कॉमन है, केवल हॉलीडे कॉमन है, मतलब जो भी कोड होगा हॉलीडे का वो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, इसके अलावा कोई और रिपीट नहीं करेगा। तो देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, एटीपी नहीं है, एसईएल नहीं है, एनबीई, देखो एनबीई दोनों में कॉमन आ रहा है, एनबीई, तो वो कोड किसका हो गया, इसका हो गया, एनबीई दोनों में कॉमन है, तो वो कोड किसका हो गया, इसका हो गया। आई बात समझ में, जब भी ऐसे सब मैं और प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको बाद में, एक क्लास और लेके आऊंगी इसमें मैं और आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, मैं केवल समझा रही हूँ कि आपको अप्रोच कैसे करनी है। अप्रोच समझोगे अपने आप स्पीड बढ़ेगी, मैटर यहाँ पे अप्रोच करता है। एक तो सिलेक्टिवनेस, देखो रीजनिंग में सिलेक्टिव कुछ भी नहीं है, सभी कुछ करना है, तभी आपको सोच सकते हो कि आपके मेरिट में मार्क्स आएंगे। अगर आप ये सोचो कि कुछ कुछ चीजें करेंगे तो नहीं हो पाएगा। रीजनिंग में सभी कुछ करना है, रीजनिंग में आपको अप्रोच सीखनी है, अप्रोच। लेकिन मैथ्स में आपको सिलेक्टिवनेस सीखना है कि कौन सा उठाएं कौन सा छोड़ें। आपको पता होना चाहिए अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कि आप कौन सा पकड़ सकते हो कौन सा छोड़ सकते हो, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल देखते हैं हम लोग अपना, एक और सवाल आता है इसी टाइप का, देखिएगा ये लिखिए, ये है आपका वो लेवल जो थोड़ा सा बैंकिंग को मेंस को टच करेगा। देखो ये वो लेवल है जो आपके बैंकिंग के मेंस को टच करता है। देखना सवाल, देखना हमसे पूछा हुआ है क्या, बॉल का कोड बताइए, क्या पूछा है, बॉल का कोड बताइए, बॉल का कोड पूछा है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, अब देखो कैसे ढूंढेंगे, अभी तक हम क्या लिखते थे कि बॉल को ढूंढते थे, बॉल कहाँ पे है। अब देखोगे आप, बॉल कहीं नहीं लिखी हुई है, बॉल कहीं नहीं लिखी है, मतलब क्या है, अब हमें समझना है कि जो ऊपर कोड लिखा हुआ है सेम वही कोड के थ्रू हमें समझना है इसका कोड क्या होगा, ठीक है। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, अब देखो आपको अलग अलग सही समझना है कि सम मैंगोज आर, सम एप्पल आर मैंगोज का कोड ये कैसे हुआ, सम शॉप में मेटल कोड ये कैसे हुआ, और बॉटल्स आर शार्प का कोड ये कैसे हुआ। ये मैं देती हूँ आपको होमवर्क में, थोड़ा दिमाग लगाइएगा इसमें, थोड़ा सा क्या लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, क्योंकि कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे इसी टाइप के सवाल की। हल्का सा दिमाग लगाना भाई, हल्का सा दिमाग लगाना, और कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे इसी सवाल से ही, कल से हम शुरुआत करेंगे, कल की क्लास को कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे इसके आगे के लेवल का, ठीक है। तो क्लास को यहीं पे ऑफ करूंगी मैं, तो अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले चुका होगा, अगर आपको लग रहा हो क्लास आपके लिए यूजफुल है, कम समय में आपका रिविजन हो पा रहा है, हर चीजें हम वो पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम में आनी ही आनी है, डाउट वाला काम नहीं है, आना ही है, फिक्स है। तो अगर आपको लगता है क्लास आपके लिए यूजफुल है, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ये एक बेबी स्टेप है, एक के शुरुआती पहली पहल है, मतलब अगर आप इसको बढ़ाएंगे, अगर आप इसको पसंद करेंगे,
आप इसको मोटिवेट करेंगे, देखो जैसे मैं आपको मोटिवेट करती हूँ वैसे आप मुझे कीजिए। अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि हाँ मैम ये अच्छा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको और बढ़ाऊंगी आगे, ठीक है। तो आप सभी लोग शेयर कीजिए, दबा के लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अगर जो बच्चे नए हैं आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। शाम को 7 बजे डेली आपको यहाँ पे आना है, सुबह 9 बजे आपकी प्रियल मैम रीजनिंग के ऊपर ही क्या होती है, 1 मिनट में एक कंसेप्ट सिखाती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको देखना है। और बिहाइंड द सिलेक्शन पे लाइव क्लास चलती है 8 से 9 और 9 से 10, इसमें हम लोग एनटीपीसीओ कवर करते हैं, एनटीपीसीओ ग्रुप डी, तो उसमें भी आप लोग जरूर आया करो लाइव, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपके वापस से कल, ठीक है, बाय बाय, हैव अ गुड डे।